नमस्कार, आमी तोतोना। आपनादेर जखोनी किछु मन पसंद खाबार खेते इच्छा करबे यूट्यूबे गिये लिखुन बांगाली रान्ना बान्ना आर सबस्क्राइब करुन आमार चैनल एवं आमार समस्त रान्नार आपडेट सबार आगे पेते बेल नोटिफिकेशनटा अवश्य अन करबेन। आज आमी मजार टिफिन रेसिपी निये आसलाम, मुखरोचक पुर भरा आलू। ताहले देखे नीन एई मजादार टिफिन रेसिपी आमी किभाबे बानिये थाकि। प्रथमे मैदा मेखे नेब, एखाने 150 ग्राम मैदा नियेछि। एर मध्ये देब परिमाण मतो नून आर देब 2 चामच बाटार। एबार बाटार मैदार साथे भालोभावे मेशाबो। जतो भालोभावे मेशाबो पुरटा किन्तु ततोई खास्ता होबे। एबार जल दिये मैदाटा मेखे नेब। मैदा मेखे नियेछि, तबे एटा एकटु शक्त करे माखते होबे। एखन एटा ढाका दिये रेखे देब, कारण आलुर पुर बानाबो। एरपर पात्रे जल निये गरम होते बसिये दियेछि। एर मध्ये परिमाण मतो नून देब। एबार आलु दिच्छि। एखाने एकटा आलु माझारी माप करे लम्बा लम्बा करे केटे नियेछि। एबार आलु सिद्ध करे नेब। आलू सेद्ध करे निये छी, तबे आलू किन्तु खूब बेशी सेद्ध करबार दरकार नहीं। एबार एगुलो जल थेके तुले नेब। एखन ए सेद्ध आलू एकटू ठंडा होते देव। आलू ठंडा होले एर मध्ये देव आदा रसुन बाटा आधा चा चामच, धने गुड़ो और जिरे गुड़ो दुटो मिलिए देव आधा चा चामच, झाल बुझे देव लंका गुड़ो, चाट मसला देव आधा चा चामच, 2 टेबिल चामच दिच्छी चालेर गुड़ो, 1 टेबिल चामच बेसन आर देव सामान्य जल। एबार ए सब उपकरण भालोभावे मिसिए नेब। आलुर साथे सब उपकरण मिसिए नियेछि। एबार एगुलो भाजबार जन्य कड़ाई गरम करे तेल देव। तेल किन्तु खूब बेशी देवार दरकार नहीं। एर मध्ये मसला माखानो आलू दिए दिच्छी, एकटु भाजा होते थाक। एबार आलू उल्टे पाल्टे भालोभावे भेजे नेब। आलू भेजे नियेछी, एखन एगुलो तुले नेब। एई मुचमुचे आलू किन्तु एमनिओ खावा जाय। एबार मयदा माखार दिके फिरे आसलाम, मयदाटा आबार मेखे नेब। एबार ए मैदा माखा थेके छोटो छोटो लेची केटे नेब। एखान थेके एक अंश नेब, एटा हाथेर साहाज्ये बेश चैप्टा करे निच्छी। एर मध्ये एक अंश आलू दिए देव। एबार चारदिक थेके मैदा निये एसे आलूटा ढाका दिए दिच्छी। देखते भालो लागार जन्य एटा चौको करे गड़े नेब। तैरी करे निलाम पुर भरा आलू। एकी भावे आरो बानिये नेब। एबार एगुलो भाजबार जन्य तेल दिच्छी, तेलेर मध्ये दिए देव। एक पीट भाजा होते थाक। एबार एगुलो उल्टे पाल्टे भेजे नेब। सब दिकी किन्तु भालोभावे भाजते होबे, तबे एटा भाजते होबे माझारी आँचे। ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি, এখন এগুলো তুলে নেব। একইভাবে বাকিগুলো ভেজে আমি তুলে নেব। তৈরি করে নিলাম মুখরোচক পুর ভরা আলু। এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক বা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, পারলে শেয়ার করবেন। আরও এই রকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজ তবে এই পর্যন্ত থাক, আবার দেখা হবে নতুন কোনো এক রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।